स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटल योर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डीडी आपका यार, और आज है गुरुवार। और गुरुवार मतलब आज है 2 मिनट थर्सडे का नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आईफोन पे टाइप कर सकते हैं हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन सारे रीजनल लैंग्वेजेस में बड़ी ही आसानी से। तो घड़ी को सेट करते हैं 2 मिनट्स पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे कीबोर्ड पे, या आपका जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है आपके आईफोन पे वो दिखाई देगा। इसे चेंज करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद क्लिक करेंगे जनरल पे और नीचे स्क्रॉल करके चूज़ करेंगे ऑप्शन कीबोर्ड का। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऐड न्यू कीबोर्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं एज अ कीबोर्ड। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज और यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला है देवनागरी, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट्स में, और दूसरा है ट्रांसलिटरेशन, जिसमें हम हिंदी को टाइप कर सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की मदद से। तो इन दोनों को अब मैं ऐड कर देता हूँ। कीबोर्ड के लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम प्रेस करेंगे इस ग्लोब वाले आइकन पे, और यहाँ पे हमारे पास हमारे नए कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं टाइपिंग में हिंदी अल्फ़ाबेट्स के साथ तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को तो आप चूज़ कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, और अब आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की मदद से। तो इसी तरीके से आप जा सकते हैं सेटिंग्स में और ऐड कर सकते हैं दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस को, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में आपके पास ट्रांसलिटरेशन वाला ऑप्शन नहीं है, आपको यूज करना पड़ेगा उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को। तो यार आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।